नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1964 इन द एक्ट। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे, उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की, सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे, हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है, हम ये ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। After only half an hour would start the EVM counting. So there are three countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम mid course नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? Because it is compliant with the rule. क्या कहता है? कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम ईवीएम की तरह के चलेगी, जैसी ईवीएम खत्म होगा वैसी पांच वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से।